यह हमारा सबसे पहला लेसन है ऑन हाउ टू जंप रोप लाइक बॉक्सर्स एंड मिक्स मार्शल आर्टिस्ट सबसे पहले हम बॉक्सर्स किप से शुरू करेंगे स्टैंड अपराइट विथ फीट शोल्डर विथ अ पार्ट टू इच अदर। अपने दोनों हाथ को वेस्ट की हाइट पे और एल्बोज को अपनी बॉडी से क्लोज रखना है टक टन शोल्डर्स को रिलैक्सड रखो एंड कीप देम डाउन नाउ लेट्स गो बॉक्स स्किप ऐसा दिखता है बॉक्सेस स्किप कार्डियोवास्कुलर फिटनेस एजिलिटी और लो लेग्स के स्ट्रेंथ इंड्योरेंस को बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है विच इज़ वाई बॉक्सर्स और मार्शल आर्टिस्ट इसको बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं पहले थोड़ा एग्जैजरेटेड फूटवर्क के साथ इसके पैटर्न को समझते हैं मैं हमेशा अपने टोज पे हूँ बॉल्स ऑफ द फीट मेरे हील्स टच नहीं कर रहे ग्राउंड को ये इंपॉर्टेंट है बॉडी वेट शिफ्ट हो रहा है राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट बॉडी का ऑलमोस्ट पूरा वेट एक बार में एक लेग पे होता है दूसरा सिर्फ फ्लोर को टच करता है वो वेट नहीं कैरी कर रहा है मैं फुटवर्क को एग्जैजरेट करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि उससे वेट शिफ्टिंग मेकेज़म को समझना आसान हो जाता है बॉक्सिंग स्किप का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बॉडी का रिदम और टोज पे रहना थ्रू आउट मैंने अपने मूवमेंट को एग्जैजरेट करके दिखाया है ताकि आपको समझ आए ये कैसे होता है लेकिन अब हम इसे थोड़ा टोन डाउन करेंगे बॉक्स स्किप का पूरा मकसद है आपको एक्टिव और पैरों पे लाइट रखना जो बॉक्सर्स और मार्शल आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको निम्बल और एग्जाइल रखता है और हमेशा डायरेक्शन चेंज करने के लिए रेडी रखता है रिदम बनाने के लिए मेट्रोनोम के बीट के साथ प्रैक्टिस किया जा सकता है अब हम आर्म्स पे फोकस करेंगे रोप की रोटेशन मोस्टली रेस्ट के सर्कुलर मोशन से आते हैं आर्म्स को हमेशा स्लाइटली बेंट रखना है एल्बोज से मिनिमल मूवमेंट के साथ एक्शन प्राइमरली आपके रेस्ट से आना चाहिए आपके शोल्डर्स रिलैक्स और डाउन होने चाहिए ग्रिप रोप पर हमेशा रिलैक्स रखना है ताकि हैंड और रिस्ट में जल्दी फटीक ना हो एक कॉमन बिगनर मिस्टेक यह है कि वो रोप को रोटेट करने के लिए शोल्डर्स को रोटेट करते हैं ये स्थेटिकली अच्छा नहीं लगता एफिशिएंट नहीं होता और बहुत एनर्जी वेस्ट करता है एथलीट्स को हमेशा अपनी एनर्जी के साथ बहुत इकोनॉमिकल रहना चाहिए क्योंकि इन्फिनेट एनर्जी किसी के पास नहीं है दूसरी कॉमन मिस्टेक है बहुत हाई जंप करना उसके वजह से भी जल्दी थक जाओगे और अपनी हाइट के लिए गलत साइज का रोप यूज़ करना जो एक्सरसाइज के रिदम और एफिशिएंसी को डिस्टर्ब करेगा अब आते हैं बॉडी के ट्रंक पे हमेशा कोर इंगेज रखना है मतलब पीछे लीन बैक नहीं करना है नीचे बॉक्सर की तरह और कीप ब्रीदिंग कोर को इंगेज रखना है अच्छे पॉस्टर और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ब्रीदिंग को रिलैक्स्ड और स्टडी रखना बहुत जरूरी है ताकि अर्ली फटीक ना हो और कंसिस्टेंट रिदम बनी रहे अपर बॉडी और लोअर बॉडी के सिंक्रोनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए शुरू में यू कैन डू शेडो स्किपिंग मतलब बिना रोप का जब आप कंफर्टेबल हो जाओ तो रोप के साथ करना शुरू कर सकते हो यह था बॉक्सर स्किप बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स में हम स्पारिंग करते वक्त कभी कभी प्लेटफुटेड भी होते हैं लेकिन ये ज़रूरी है कि आपके काफ्स में इतना इंडोरेंस होगी पूरी फाइट आप अपने टोज पे कर सको अगर उसके रिक्वायरमेंट है तो तब आप अपनी एजिलिटी को प्रॉपरली यूज कर पाओगे थ्रू आउट द फाइट नहीं तो अर्ली फटीक आएगी तो विल गेट स्लो विथ टाइम कीप प्रैक्टिसिंग स्टे पेशेंट मिलते हैं अगले वीडियो में हैव गुड वन